उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। पहले तो हम सूत्र ही लिख ले किसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज कौन सा आर पी क्यू आर, हाँ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है ना। चाहे किसी को पहले निकाल लो चाहे किसी को बाद में निकाल लो, यहाँ क्या घटाना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। उन्होंने देखिए क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, पी से क्यू तक की दूरी कितनी दी है 24, पी क्यू बराबर 24, और क्या दी है आरपी पी पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आरपी आधार, तो आर क्यू क्या है हमारा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आर क्यू, मतलब कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा पी आर है ना, पी आर का स्क्वायर दिख रहा है आर क्यू, आर क्यू क्या है इस वृत्त के अनुसार इसका क्या है व्यास है, तब त्रिज्या कितनी निकलेगी। अब देखिए हमारे पास आर भी हो गई, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अर्धवृत्त का क्या होगा 1/2 का गुणा हो जाएगा, मतलब बटे में क्या आ जाएगा 2, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त मतलब गुणा में 1/2। पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, इसका आधार कितना है आरपी, हाँ तो इसे पी आर इसी की भाषा में ले लेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो, पी आर आधार गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी पी क्यू जिसे हमने लंब माना था ना, ठीक है, इसमें से घटाते जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए 1/2 गुणा 22/7 गुणा 25/2 दो, कुछ करने अगर इसे हम दो बार भी गुणा लिखेंगे तो भी कुछ कट नहीं रहा है, तो इसका स्क्वायर ही कर देंगे डायरेक्ट, क्या स्क्वायर 1/2 पी से लेकर आर कितना है 7 और पी से लेकर क्यू कितना है 24, दो का भाग दे देंगे 24 में है ना, 25 हम 625, हमें क्या निकालना था इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, क्या आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। किस प्रकार से आया हमने आपको बता ही दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आधार गुणा ऊंचाई, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए थी आर, और आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी इसके आधी, तो पहले हमें आर क्यू आना चाहिए, आर क्यू हमने निकाल लिया 625, तो आर क्यू बराबर कितना 25 आया था, तो त्रिज्या बराबर क्या आएगा 25/2 आया, समझ में, चलो मिटाओ इसे, ओ सी ए है ना, ए ओ सी ए बड़े वाले त्रिज्या खंड में से त्रिज्या, बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्या खंड, छोटा वाला त्रिज्या खंड कौन सा है बी ओ डी बी, बी ओ डी बी का क्षेत्रफल, एक बात ध्यान रखना ना यहाँ पे बी लिखा जाता है ना बाद में ए लिखा जाता है, अभी आपको समझ में आ जाए इसलिए वहां पे मत लिखना, ठीक है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हो तो त्रिभुज में ए बी सी लिखते हो, लिखते हो ये तो नहीं लिखते ए बी सी ए नहीं लिखते ना, इसी प्रकार से तो देखिए त्रिभुज त्रिज्याखंड कौन सा ए ओ सी, ए ओ सी इसके क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे बी ओ डी, इस छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या बचेगा छायांकित, यहाँ त्रिज्या बड़े वाले त्रिज्या खंड के लिए आर बराबर कितना है
14 और छोटे वाले त्रिज्याखंड के लिए आर कितना है? 7। बस अब सूत्र लगा देना, ठीक है, दोनों के लिए कितना है? 40। त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और बस। कल या ऐसे में आधी नाप लो तो कितनी हो जाएगी? 7। किसी भी प्रकार से इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 7। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग कौन? वर्ग एबीसीडी, एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस कौन सा अर्धवृत्त? दोनों वर्ग। तो दोनों कौन से नाम दे देना, है ना, माइनस दोनों अर्धवृत्त, हम अपनी भाषा में लिख दे रहे, ठीक है, आप लोग समझ जाना। माइनस कौन सा हम कर देंगे? देखो डी पी ए का क्षेत्रफल प्लस, देखो उसमें उसे कर देंगे कोष्टक में, माइनस का चिन्ह लगा के क्या कर देंगे कोष्टक में, डी पी ए का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त सी पी बी का क्षेत्रफल, क्या दोनों को जोड़कर क्या माइनस कर देंगे किसमें? वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहां हिंदी में लिख दे रहे हैं दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का मतलब योग, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का त्रिज्या आपको पता ही है, अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या कितनी रखोगे? आर बराबर 7। और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या कितना होता है? 14। भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल है ना, 14 का स्क्वायर कर दोगे 196। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 लोगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या घटा दोगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसके क्षेत्रफल निकालने के लिए? नहीं, ए पी क्यू बी का क्षेत्रफल, ए पी क्यू बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे? बोले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस माइनस पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। देखो माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड कौन सा है? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। और पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या आएगा? पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल प्लस पी ए बी क्यू का क्षेत्रफल। देखो ए पी क्यू बी का क्षेत्रफल ये जोड़ देंगे तो हमारे पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब ये कैसे निकलेगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, क्योंकि ये समान भुजाएं हैं, 12 भुजा ये, 12 भुजा ये, 12 भुजा ये, ठीक है भैया निकाल लिया इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। किंतु त्रिज्याखंड पी ओ क्यू का क्षेत्रफल कैसे निकालें? क्या आपको कोण दिया गया है? नहीं दिया गया, लेकिन आपको इसने ये तो बताया है कि ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। त्रिभुज कैसा है? ये वाला ए ओ और बी सभी भुजाएं समान है, और त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर भुजाएं समान है तो उनके कोण समान होंगे, तो कोण ए सॉरी यहां पे लिख दें, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण ओ बराबर कितना? 60 अंश। समझ में आ रहा है? अब आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते, आप घर से करके लाते, लेकिन फिर बाद में पता चला कोण तो है ही नहीं इसमें। अरे बात समझे, कौन दिया कहीं सवाल? नहीं दिया, उसने सिर्फ ये बताया कि संभव हुए, क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं क्या 12 की हैं, तो सभी पर कोण कितने का बनेगा? 60 का बनेगा, क्योंकि कोण भी कैसे रहेंगे? समान रहेंगे।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, रूट तीन बटे चार गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा का। और ये त्रिज्याखंड आपको पता ही है, उसमें से घटा देंगे क्या इन दोनों को जोड़कर, ये जो खाली खाली गोले उन चारों चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस इस बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल, इस दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। देखिए कौन से, चारों जोड़कर क्या पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, दो वर्ग की भुजा दी होगी उसमें दिए क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे। अच्छा चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, एक बटे चार पाई आर स्क्वायर। देखो ये बना है वृत्त है ना, इसमें डाल दो चतुर्थांश, एक चतुर्थांश क्या रहेगा पूरे वृत्त का एक बटे चौथा भाग, वृत्त के क्षेत्रफल का एक बटे चौथा भाग, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आएगा, एक बटे चार गुणे पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है चतुर्थांश की, देखिए उसमें बताया गया है प्रत्येक कोने में एक सेंटीमीटर का एक चतुर्थांश है ना, तो एक का निकल आएगा तो चार का कितना मान लो, देखो एक का निकल आए जितना भी निकले उसमें चार का गुणा कर दो तो चारों का निकल आएगा, पहले हम किसका निकालेंगे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसमें चार का गुणा कर देंगे चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया ठीक है। अब बचा हमारे बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल का डी कितना है, दो है ना, तो वहां बीच में मैंने वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी एक, क्योंकि दो में दो का भाग नहीं कितना आएगा एक, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो आप यहाँ पे लगा देंगे और इसी सूत्र पे रख देंगे आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं जाने चलो जाओ। तो हम बता रहे थे कि हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी है, जो कि प्रश्न में दिया है त्रिज्या क्या होती है, केंद्र तक की दूरी और परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी कितनी होती है त्रिज्या है ना, परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी ये क्या है, ये परिधि तो है, तो यहाँ तक की तो दूरी हमें पता है कितनी 32। समझ में आ रहा है कुछ सवाल, ये हम रचना कर लेंगे अलग से, इसका नाम दिया है क्या कुछ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ओ ठीक है मान लिया, यहाँ पे केंद्र को ओ मान लिया, अब इतने हिस्से को हम अलग से उठा लेंगे ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा समबाहु, तो देखिए इतने हिस्से को हमने अलग से उठा लिया सर। ये जो त्रिभुज उठाया वो समबाहु नहीं है, ये सम द्विबाहु है जी सर, क्या है सम द्विभुज, इस साइड 32 और इस साइड 32, कोण कितने का बनेगा 60, दो भुजाएं समान है चलिए देखिए एक और रचना करेंगे, देखो यहां से ओ से ले हम क्या लंब डाल देंगे जिसका नाम डी ठीक है जी सर। इस प्रकार से हमें क्या ये जो बी सी है वो 32 नहीं है जी सर। ये जो बी और सी है वो 32 नहीं है, समझ में आ रहा है, अगर वो ही डी होती तो हम काय को निकालते, हमें बी सी तो निकालनी है, बी सी निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे साइन कॉस का नियम लगा देंगे है ना जी सर। क्या निकल आएगा जिससे, देखिए हमारे पास कर्ण दिया है हमें क्या निकालना है आधार, लंब की हमें जरूरत ही नहीं है, हमने खुद ऐसा रचना कर ली, लंब की जरूरत है क्या नहीं है ना, हमें काय की जरूरत है सिर्फ आधार, आधार निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कितने का कोण बनेगा 60 का इस साइड बनेगा और 60 का उस साइड बनेगा, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दोगुना होता, सॉरी केंद्र पर बना कोण,
केंद्र पर बना हुआ कोण ये वाला कोण, परिधि पर बने हुए कोण इसके दोगुना होता है। पढ़िए कि नहीं, और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु। तो तीनों जगह कितने का कोण बन रहा है, 60 का। तो यहां पर कितने का बनेगा, 120 का, उसका हम क्या कर देंगे अर्धक। तो दोनों साइड कितने का बनेगा, 60 का। समझ में आ रहा है, पहले तो हम इसे लिख ही दें कि 60 का ये जो बिंदु ओ है उस पर 120 अंश का कोण क्यों बन रहा है, का दोगुना, कोण ए का दोगुना क्यों होगा। प्रमेय, कौन सी प्रमेय, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दोगुना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, या वृत्त के केंद्र पर बने कोण का मान दोगुने के बराबर होता है ना। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का होता है। इस प्रमेय से ये जो बीओसी का मान है वो कोण ए का दोगुना हो जाएगा। यदि आपको या हमें ये प्रमेय ध्यान नहीं आती तो आप कभी नहीं बता पाएंगे कि ये 60-60 क्यों आया। समझ में आ रहा है, चलिए देखिए। इस प्रमेय से ये क्या हो गया, 120, उसका हमने कर दिया अर्धक, दोनों साइड कितना बना, 60-60 का बना है। अब हम क्या कर देंगे, अब हमें क्या करना है, देखिए कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है। तो ये होगा आपके लिए क्या, आधार। जहां पे कोण बनेगा, कोण जहां पे बनता है वो क्या होता है, आधार। तो ये आधार, ये क्या है, लंब। लंब क्या है, बी डी बटे आधार कितना है, सॉरी कर्ण कितना है, बी ओ है ना। बी ओ का मान 32, साइन 60 का मान √3/2, इतना ही होता है। चलिए देखिए कितना आ जाएगा, 32√3/2 बी डी बराबर क्या आ जाएगा, 16√3। बी डी बराबर कितना आ जाएगा, 16√3। समझ में आ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कौन से त्रिभुज का निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी आएगी। तो देखिए बीसी बराबर क्या होगा, बीसी बराबर क्या होगा, बी डी का दोगुना। बीसी बराबर बी डी का दोगुना, तब बीसी बराबर कितना आएगा, 32√3 आएगा सर, क्योंकि देखो बी डी कितना है, 16√3। तो बीसी बराबर कितना आएगा, 32√3। ये भुजा आ गई, तो ये 32√3, ये 32√3 और ये 32√3 सर। तो अब हमें बताइए क्या करना था, हमें किसका छायांकित भाग या डिजाइन वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या कर देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। कर लोगे, डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु